नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर एटा जनपद से है, जहां रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। कई दर्जन एबीवीपी के छात्र उतरे सड़कों पर। दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला। वहीं आक्रोशित छात्रों ने पुतले पर चलाई लाते और जूते। महाराष्ट्र सरकार को हिदायत देते हुए जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग की। एटा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पवन यादव के नेतृत्व में कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आज दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोशित छात्रों ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। साथ ही अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग भी की। वहीं रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी उनके घर से उनके परिवार के साथ अभद्रता करते हुए आतंकवादियों की तरह गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। प्राइम न्यूज 24 से विकास दुबे, एटा की रिपोर्ट। अभी आपने उद्धव सरकार का पुतला फूंका है, क्या वजह है? जैसा कि हम सभी को जानकारी है, कल महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, उसके हमारे मीडिया के पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को वहाँ के लोकतंत्र के उनके नैतिक मूल्यों को हनन करते हुए, लोकतंत्र को दबाते हुए वहाँ पर जिस तरह से बिना वारंट की जो गिरफ्तारी उद्धव ठाकरे की सरकार ने अर्नब गोस्वामी जी की है, उसके सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जब तक उद्धव सरकार अर्नब गोस्वामी की रिहाई नहीं करती है, इस पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। पवन जी, क्या आज आपने हमको किया पुतला दहन किया सरकार का, उद्धव सरकार का क्या मामला है? ये जो भारत सरकार का कानूनी स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जी लोकतंत्र का, ये इस तरह से काम कर रहे हैं और मीडिया अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से बिना वारंट के गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। इसके खिलाफ हमने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर रहे हैं और मीडिया के सम्मान हमको पत्रकारों के साथ जो हुआ जी।